नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हुंडई की माइक्रो एसयूवी के बारे में। हुंडई जल्दी इंडिया के अंदर अपनी एक छोटी एसयूवी लॉन्च करने वाले है। ये एसयूवी हुंडई की वेन्यू से एक छोटी एसयूवी रहेगी और इसका जो कंपटीशन है इंडिया के अंदर मारुति की एस्प्रेसो और टाटा की आने वाली एसवीएक्स से रहने वाला है। इसे कंपनी ने फिलहाल हुंडई AX1 कोड नेम दिया है और जल्दी हुंडई एसयूवी को इंडिया के अंदर लॉन्च भी करने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, इंडिया में माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब इस सेगमेंट में हुंडई भी जल्द एंट्री करने वाली है। हुंडई अपनी AX1 कोडने वाली छोटी एसयूवी पर काम कर रही है जिसका टेस्टिंग मॉडल हाल ही में देखा गया है। हुंडई की यह माइक्रो एसयूवी हुंडई के कर्व कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हुंडई ने 2017 के जेनेवा मोटर शो के अंदर इस कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था और अब इसी पर अपनी इस माइक्रो एसयूवी को डेवलप कर रही है। आपको बता दें कि हुंडई की यह एसयूवी हुंडई के थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म पर डेवलप की जा रही है। हुंडई की यह माइक्रो एसयूवी देखने में हुंडई वेन्यू का छोटा वर्जन लग रही है और इसके पीछे की डिज़ाइन कुछ हद तक मारुति इग्निस जैसी है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके रियर में आपको हुंडई कोना से इंस्पायर्ड ड्यूअल टेल लैंप देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि इसके अंदर भी आपको हुंडई कोना की तरह डबल टेल लैंप देखने को मिल जाएंगे। लीक तस्वीरों से लग रहा है कि यह काफ़ी हद तक इसका फाइनल मॉडल ही है। हुंडई अगले साल की शुरुआत में इसे ग्लोबली अनवील कर सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर इस एसयूवी को कंपनी 2021 के एंड तक लॉन्च करने वाली है। हुंडई की इस छोटी एसयूवी को शार्प एज के साथ ही बॉक्स डिजाइन दी गई है। इसके साथ इसके अंदर आपको रूफ रेल्स और व्हील आर्ट्स क्लैडिंग इसके लुक्स को और इनहेंस कर देते हैं। हुंडई वेन्यू की तरह इसके अंदर भी आपको स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसके ऊपर की साइड आपको LED DRS देखने को मिल जाएगी और नीचे की साइड बम्पर में आपको हेडलैम्प हाउसिंग देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें आपको बिल्कुल नए डिजाइन के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स भी दिए जाएंगे। हुंडई की नई कारों की तरह इसमें भी आपको लेटेस्ट और मॉडर्न फीचर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ ही इस एसयूवी के अंदर आपको हुंडई की ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके प्राइसिंग की तो इंडिया के अंदर इसकी शुरुआती जो प्राइस है वो 4 लाख रुपये से स्टार्ट होकर इसके टॉप मॉडल की जो प्राइस है वो 10 लाख रुपये तक जा सकती है। अब बात करें इसके इंजन ऑप्शन की तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा और साथ ही इसके अंदर आपको 1 और 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।